हेलो फ्रेंड्स, हम आए हैं रॉयल ऑर्किड बीच रिजॉर्ट एंड स्पा गोवा में, जो साउथ गोवा के उटोडा बीच पे है। इसका रूम टूर कराता हूँ। हमने क्लब रूम विथ लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर लिया था। ये हमको 13,000 पर नाइट पड़ा था, क्योंकि लंच और डिनर हमने इंक्लूड किया था जो बुफे है। अगर आप सिर्फ ब्रेकफास्ट के साथ इंक्लूड करते हैं, शायद आपको 8,000 या 9,000 में पड़ सकता है। हमने ये रूम लिया था अप्रैल में 2023 में, तो बेस्ड ऑन द टाइमिंग एंड सीजन इसके रेट वेरी कर सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अल्मीरा है वो ओपन है। शायद मैं लास्ट टाइम अजाया बीच रिजॉर्ट पे भी गया था, वहाँ पे भी ओपन अल्मीरा का कॉन्सेप्ट था, जो पर्सनली मुझे नहीं पसंद आया। बट ये है कि आप सीधा बैग रख के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक सारी चीज़ें हैं इसमें, ये नाइट लैम्प है, फ़ोन, डेस्क, सारी बेसिक जो रूम में एमिनिटीज़ होती है वो सारी अवेलेबल है यहाँ पे। और ये जो पेंटिंग है जो थोड़ी बीच वाइब देती है, थोड़ा सा कलर इसका ब्राइट है। इस रूम में सनलाइट भी आती है तो थोड़ा ब्राइट लगता है। वाइट और ब्लू और ग्रीन, इस तरह के कलर यूज़ किए हैं रूम में। ये डेस्क दे सकते हैं, टीवी है यहाँ पे, और इसके अलावा ये कुछ कॉन्डिमेंट्स भी रखे हुए हैं, प्रिंगल्स और ये सारे। लेकिन आप ध्यान रखें, ये सारे पेड हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो आप इसके यहाँ पे आप इसकी प्राइजेस चेक कर सकते हैं। आप रूम, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं तो प्रेफर करूँगा, हमने तो कुछ कंज्यूम नहीं किया था, मैं प्रेफर करता हूँ कि हम पहले से ही एक बैग तो पहले से स्नैक्स कर लेके चलते हैं, क्योंकि साथ में बच्चे भी हैं तो हमको यहाँ से कुछ कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। ये बालकनी है, क्लब रूम में जो भी है वो सारी बैक साइड की बालकनीज हैं। तो जो ग्राउंड फ्लोर पर है तो आप देख सकते हैं कि गार्डन इसमें एक्सेस है यहाँ पे। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि आप बालकनी में कपड़े नहीं टांग सकते हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने नोटिस लगाया हुआ है। और बालकनी में दो चेयर है, आप बैठ सकते हैं, लेकिन आप रात को नहीं बैठ सकते क्योंकि यहाँ पे पीछे सेंस गार्डन व्यू है तो मच्छर बहुत आते हैं। इन्होंने यहाँ पे गुड नाइट और ऑल आउट भी दे रखा है, तो वो यूज़ करने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मच्छर होते हैं, तो आप रात को तो यहाँ नहीं बैठ सकते। तो रूम बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा रूम नहीं है, तो आप मोस्टली टाइम आप रिजॉर्ट में या बीच पर ही स्पेंड करेंगे। चलो आपको इसका बाथरूम दिखाते हैं। नॉर्मल सा बाथरूम है, मुझे यहाँ की टाइल्स, फ्लोर टाइल्स है, जो बाथरूम टाइल्स है वो पसंद आई। बाकी आपको शेविंग मिरर, हेयर ड्रायर, बाकी सारी जो फीचर्स होते हैं रूम में वो सारे अवेलेबल हैं। सिंस आप कपड़े बालकनी में नहीं सुखा सकते, तो बाथरूम में इन्होंने एक स्ट्रिंग दे रखी है जो आप खींच के एंड में स्टिक कर सकते हैं, जिस पे जो रस्सी निकल जाती है वहाँ पे आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं। तो ये इस रिजॉर्ट का सबसे बेसिक वाला रूम है, क्लब रूम इसको बोला जाता है। लेकिन हमने ये प्रेफर किया क्योंकि हमने लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर सब इंक्लूड किया। और दोस्तों, आपको ये रूम कैसा लगा? आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख के बताइए। थैंक यू।